ये दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज अपन बात करेंगे कि अपनी वेबसाइट को विजिट कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और विजिट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं, और विजिट्स बनाने में क्या अपन इजीली अपन विजिट्स बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो आपको लास्ट वीडियो का मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे अपन लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बताया था। तो आप देख रहे हैं द यूनी अकेडमी यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, अपन स्टार्ट करते हैं कि विजिट्स कैसे बनते हैं। तो विजिट्स बनाने के मतलब डिफरेंट टाइप्स के अपने पास ऑप्शन होते हैं। जैसे आप फुटर में बना सकते हैं, हेडर में बना सकते हैं, या अपने साइड बार में बना सकते हैं। जैसे साइड बार में लेफ्ट साइड बार होता है, राइट साइड बार होता है, तो उनमें किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो अपीयरेंस में जाके आप विजिट्स करके, थर्ड ऑप्शन आता है विजिट्स करके, उस पर आप जाके क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इजीली बना सकते हैं। तो विजिट्स कैसे बनते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इजीली आप ये जो आपके सामने अवेलेबल विजिट्स दिया हुआ है, तो गाइस इस पर आप कोई भी विजिट सेलेक्ट कर सकते हैं। निंजा फॉर्म कर सकते हैं, मेटा साइड बार कर सकते हैं, इमेज कस्टम एस्टीमेट कुछ भी आप बिकॉज ऑफ की ये कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रैक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो मेरे को फुटर वन में ये आर्चीव चाहिए मुझे, तो फुटर वन में मैंने ये डाला, यहाँ पे लादे छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। और इसके बाद में आप जो भी इसका टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल देके आप इसको कर सकते हैं। तो इजीली ये हो गया आपके लिए कि आपने यहाँ से विजिट सुना। कोई भी आपको ऑप्शन चाहिए था कि मुझे ये यहाँ पे गैलरी चाहिए था या कैटेगरी चाहिए था, और जो भी आपको चाहिए गाइस वो यहाँ से ला के आप उठा के पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है गाइस। तो आप साइड बार कहाँ पे मतलब विजिट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और भी विजिट्स लगाने के क्या फ़ायदे हैं, और विजिट्स लगाने के बाद में वेबसाइट अपनी वेबसाइट कैसे दिखती है। तो विजिट्स के डिफरेंट टाइप्स के फायदे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अपनी वेबसाइट को एक कस्टम वेबसाइट बना देता है, जिससे अपनी वेबसाइट अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। बिकॉज ऑफ की एक ही पेज पे लगभग मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड हो जाती है, तो वो एक पेज से दूसरे पेज तक लिंक करवा देती है। और दूसरा, अपनी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन अपने कहीं स्टोर करते बना देता है, और उसकी लुकिंग वाइज अच्छी बना देता है। बिकॉज ऑफ कि आपका कि आपने कोई रिसेंट पोस्ट डाली हो, या कोई कॉन्टेंट आप लिख रहे हैं ब्लॉग वेबसाइट, आप उसमें कॉन्टेंट लिख रहे हैं, तो आप कॉन्टेंट लिखेंगे वो उसका आपको विजिट्स बनाना पड़ेगा, या फिर आपको अलग से कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे HTML CSS JavaScript यूज़ करके अपन कोडिंग करते हैं, PHP इनकी कोडिंग करते हैं, तो या आप उसमें कोडिंग करके बनाते हैं। बट इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है। जैसे मैंने राइट साइड बार में मैंने ये डाला हुआ है मेरी वेबसाइट पे, राइट साइड बार जैसे रिसेंट कमेंट आया हुआ है, जो कमेंट्स आए हुए हैं मेरे, वो उसमें मेरे को ऊपर शो कर रहा है जब मैं ब्लॉग पे जाके क्लिक करता हूँ उसके बाद में। तो उसमें मैंने रिसेंट पोस्ट भी डाला हुआ, तो जो मैंने रिसेंट पोस्ट अपडेट करी है मेरी वेबसाइट पे, वो मेरे को इसमें शो कर रहा है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने कॉन्टेक्ट अस भी डाला हुआ है, जिसमें मेरे वेबसाइट पे आके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें आप जो भी है ना विजिट कहीं भी लगा रख सकते हैं, फुटर हेडर में कुछ भी, और अपनी वेबसाइट को ये अट्रैक्टिव बना देता है, और एक अच्छी सुविधा दे देता है अपनी वेबसाइट को विजिट करने के लिए अपने यूजर्स को और क्लाइंट को। बिकॉज जो मैंने हेडर में डाला हुआ नहीं है, फुटर में डाला हुआ मैंने रिसेंट पोस्ट सर्विसेज कॉन्टेक्टर्स और यूट्यूब चैनल, तो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ इसमें, क्योंकि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम स्टडी करवाते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। क्योंकि मेरी ये वेबसाइट है, मैं एज ए कंपनी इसको लीड था, अभी कंपनी CEO एज ए लीड कर रहा हूँ मैं इसको, तो मैंने इसके बारे में बताया। तो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के सिस्टम से आप बना सकते हैं, इसलिए आज भी कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, फुटर वन में डालो, फुटर टू में, फुटर थ्री में, कहीं भी आप अपलोड कर सकते हैं इजीली। आप कोई भी वेबसाइट इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय, टेक केयर।